What is up YouTube, welcome back, it's your buddy Technoboy और ये है मेरा FND का मिनी साउंड बार और ये टू चैनल है, लेफ्ट एंड राइट चैनल और इसका वॉल्यूम कंट्रोल साइड में है। तो इसका साउंड टेस्ट आप पहले भी देख चुके हैं, तो ये थोड़ा पुराना हो गया है, अभी दो साल हो गए और दो साल से ज़्यादा हो गए। तो आज मैं इसका फिर से साउंड टेस्ट करने वाला हूँ और ये मेरे PC के साथ कनेक्टेड है और ये सारे गाने खुले हुए हैं NCS के। तो इसका साउंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इसमें पैसिव रेडिएटर्स है, अगर आप देख सकते हैं तो ये जो आपको दिख रहा है, ये बीच में, ये साइड में, ये जो सर्कल है ये राइट चैनल का स्पीकर है और इस साइड में ये वाला लेफ्ट चैनल का स्पीकर है और बीच में ये जो दो है, ये दो रेडिएटर्स है और बीच में पार्टीशन है। सो इसीलिए इसका साउंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्लीन है और थोड़ा पंची भी है। तो ये हम इसे आज लाउड टेस्ट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबने सुना, ये फुल साउंड है और कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, साउंड काफ़ी अच्छा है और लाउड भी है और पंची है और ट्रेबल का साउंड मुझे मतलब ईयर सूदिंग लगता है। जैसे कि ज़ेब्रोनिक्स में मैंने जितने भी ज़ेब्रोनिक्स के स्पीकर्स ट्राई किए हैं, वो थोड़ा अगर लाउड वॉल्यूम हो जाए तो मतलब कान दर्द करने लगता है, इतना तीखी आवाज़ है, क्या बोलते हैं उसको, शार्प है उसका आइज। तो यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे आवाज़ काफ़ी अच्छी है, सॉफ्ट है और पंची है और क्रिस्पी है, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगता है, इसलिए इसको मैं यूज़ करता हूँ। ये डेस्कटॉप के साथ ऑलवेज कनेक्ट किया हुआ होता है और कभी भी मुझे मतलब छोटा मोटा साउंड चेक पे कुछ करना है तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि इसके लिए कोई अलग से स्विच वगैरह वो बोर्ड से ऑन नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये USB पावर्ड है। तो PC ऑन है तो मतलब ये भी ऑन है, जस्ट इसको वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ाओ, बस चालू हो गया। तो चलिए थोड़ा दूसरा सॉन्ग चेक करते हैं। तो